दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस तरीके से हिंदी सॉन्ग के साथ वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। ये गाना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने ज़रूर से सुना होगा मैं तैनू प्यार करता। तो ये गाना आप किस तरीके से अपनी फोटो को लगाकर ऐसा वीडियो एडिट करेंगे आज के इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीटली आपको इस तरह का जो वीडियो है वो एडिट करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एडिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर जो भी प्रोजेक्ट मैं देने वाला हूं उसको आपको क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप जैसे इसको ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको यहां पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये दोनों प्रोजेक्ट आपको यहां पर इंपोर्ट करने होंगे तभी वो यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप लिंक पे क्लिक करके उनको इंपोर्ट कर लेना। XML भी दे दूंगा और नॉर्मल भी दे दूंगा, आप जैसे चाहते वैसे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पर आपको बीट के ब्राउज़र को ओपन करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो लिरिक्स आने वाली है इसके अंदर मैंने हिंदी फॉन्ट का यूज किया, तो उस फॉन्ट को भी आपको डाउनलोड करना होगा। उस हिंदी फॉन्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप फर्स्ट में आ जाएंगे और प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में से आपका जो भी लोगो है फुल स्क्रीन का आपको उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है और अगली बार बीट पे आपको जाना है। यहाँ से जो है आपको ज़्यादा हो इसको हटा देना है, मतलब ये जो बीट है इसके अंदर आपको अपने लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी लिरिक्स स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो लिरिक्स लाइन बंद है, यहाँ पर जो भी लेयर बंद है आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पर जो फोटो मैंने यूज किए वो पहले से ही आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे ताकि आपको अलग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी लेयर्स बंद है आपको क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सभी लेयर्स को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फर्स्ट वाली बीट जो बीट है ये वाली, इस पर आपको आ जाना है। सेकंड वाली पर प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये वाली शेप लेनी है, स्टंप लेना है ये वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे जाना है जहाँ तक लिरिक्स है यहाँ पर आपको जाना है और सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसकी साइज वहाँ तक हो जाएगी। यहाँ पर आपको कलर पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर वाइट कलर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोआ ट्रांसफर क्लिक करना है, उसको आप रोटेट कर देंगे ऊपर। आपको 5 डिग्री इसको रोटेट करना है, 5 डिग्री इसको रोटेट कर देना है, ओके। इतना सा बहुत है, उसके ज़्यादा हो गया, इसको 5 डिग्री ही रखना है ओनली फॉर। उसके बाद आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एडिट एस शेप पर क्लिक करना है। ये जो एक्स है एक्स को आप इस तरीके से बढ़ाएंगे तो इसकी जो लंबाई वो इस तरीके से बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वाई पर क्लिक करना है, वाई को थोड़ा सा हम कर लेंगे तो चौड़ा हो जाएगा। आगे आएंगे और इस पर क्लिक करना है और आपको मोआ ट्रांसफर क्लिक करना है, इसको आप यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर सेट कर लेंगे, आगे आएंगे इसको दबा के रखेंगे, इसको जो लिरिक्स है उसके आप नीचे ले लेंगे, ओके। लिरिक्स के आप नीचे ले लेंगे इस तरीके से, ये ऐड हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा इस पर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से परफेक्टली सेट करना है, ओके। ये जो लिरिक्स है इसके ऊपर इस तरीके से कम्प्लीटली आ जाएगी, आपको इसको इस तरीके से सेट कर देना है, ओके। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सेट होने के बाद आपको यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। ये जो लिरिक्स है इस पर हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे तो बाहर आएंगे। ओपन करेंगे आप सेक इफेक्ट के ब्राउज़र को, आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये वाला एक रेप्टेंगल मिलेगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर कॉपी करना है। बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सॉन्ग बिट के ब्राउज़र को, लिरिक्स पे आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। इस स्टंप पर क्लिक करना है और आपको एडिट सेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वाइप पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा वो चौड़ा कर देना है। तो इस तरीके से आपकी लिरिक्स वो आपकी कंप्लीटली दिख जाएगी। दूसरी लिरिक्स पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लिरिक्स आ रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पर ये जो है ये आपको इस तरीके से इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, ओके। पेस्ट करने के बाद आपका काम इस तरीके से कम्प्लीटली हो जाएगा। यहाँ पर आप जब तक आप उस फॉन्ट को डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो लिरिक्स है आपकी हिंदी में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, लिरिक्स पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये वाला फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है। व्यूअर फॉन्ट पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको नीचे इंपोर्ट फॉन्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएंगे, उसके बाद आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। फॉन्ट ये रहा आपका 385 नंबर का, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको सभी लिरिक्स में आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो लिरिक्स हिंदी में हो जाएगी, ओके। उसके बाद आप बराबर 8 सेकंड पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोडक्ट को, ओके। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये इफेक्ट मिलेगा, आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों सेलेक्ट हो जाएगी। बीच में क्लिक करें, आपको कॉपी टू लेयर पे क्लिक करना है, ऊपर से आगे आएंगे, ओपन करेंगे बीट के प्रोडक्ट को, बराबर 8 सेकंड पर आप आ जाएंगे।
ओके। उसके बाद यहाँ पर बीच में क्लिक करिए, आपको पेस्ट टू लेयर पे क्लिक करना, आपके दोनों लेयर इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको सिर्फ फोटो को चेंज करना होगा, जो कि हम आराम से करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको आ जाना है 10:18 पर, प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। आपको उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने अपने फोटो को रख रखा है। उसके बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अगले वाले बिट पे आप जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा फोटो कटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्टना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे। अगले वाले बिट पे आप जाएंगे, ज़्यादा फोटो को आप यहाँ से हटा देंगे, फोटो पे क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे आप क्लिक करना है, दूसरे फोटो को लेना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे। अगले वाले बिट पे आप जाएंगे, ज़्यादा फोटो को हटा देंगे। इसी तरीके से आपको सारे फोटो को ऐड करना है लास्ट तक। यहाँ एक तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। बाकी जो फोटो है वो आपको लास्ट तक कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर बीट पे ऐड कर देना है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर दिया और यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना, इफेक्ट आपको पहले से मिल जाएगी। आपको इनको ऑन कर देना, ठीक है, ये सभी बंद मिलेगी तो आपको इन सभी को ऑन कर देना। बाकी यहाँ पर फोटो ऐड कर दिया और यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, और यहाँ पर फोटो ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने इफेक्ट को ऐड कर दिया। ओके, अब आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। ओके, और यहाँ पर आप जस्ट आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो आपको दो लेयर मिलेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करना, 1 2 दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। बीच में क्लिक करना, आपको कॉपी टू लेयर पर क्लिक करना है, ऊपर से आगे आएंगे, ओपन करेंगे बीट के प्रोजेक्ट को। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना, ये जो अपने बीच में इफेक्ट ऐड करके लाइट वाली, यहाँ पर आप आ जाएंगी। यहाँ पर बीच में क्लिक करके आपको पेस्ट टू लेयर पे क्लिक करना, आपके दोनों लेयर इस तरह से पेस्ट हो जाएगी, आपको इनको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इनके अंदर आपको फोटो को चेंज करना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर फोटो चेंज करना होगा। तो बाहर आएंगे, नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 9x16 की साइज लेनी है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करके आपको मीडिया पे क्लिक करना है। आपको उन फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसको हम इफेक्ट में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो को परफेक्टली सेट करेंगे, साइड में टैप करना है, ऊपर आपको सेटिंग के पास और ऑप्शंस पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम है PNG को लेंगे और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपका फोटो आ जाएगा, आपको आपको सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से कम आपको 4 से 5 फोटो को सेव करना है। उसके बाद बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे बीट के प्रोजेक्ट को। ओके, ये जो हमने इफेक्ट ऐड करके यहाँ पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो नीचे रेड लेयर है इस पर आपको क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको स्टार पर क्लिक करना है। ऊपर जो फोल्डर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, सारे फोल्डर आ जाएंगे, आपको अलाइट मोशन के फोल्डर में जाना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक देना, आपको फोटो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर भी फोटो आपको चेंज करने के लिए आपको इस ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एडिट ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हम गलत आ गए, तो यहाँ पर ये रहेंगे आपको, ऊपर जो ये दो लेयर मिल जाएगी रेड वाली, इनमें आपको फोटो चेंज करना होगा। तो ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके आपको कलर एंड फील पे क्लिक करके आपको स्टार पे क्लिक करना है, फोटो को लेना है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, आपको कलर एंड फील पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फोटो को लेना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, फोटो आपका इस तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप आ जाएंगे यहाँ पर, और नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो रेड इफेक्ट है नीचे इमेज दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके कलर एंड फील पे क्लिक करना है, स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप दूसरे फोटो को ले लेंगे 9x16 साइज का, मैं तो आपको दिखाने के लिए सेम फोटो को ऐड कर रहा हूँ, आपको प्लस पर क्लिक करें, फोटो आपका ऐड हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। और बाकी जो हमारी फोटो है इन पर हम इफेक्ट पेस्ट करेंगे, तो आपको बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ये जो फोटो मिलेगा इस पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे बीट के प्रोजेक्ट को, नीचे स्क्रॉल करना है और आपको लर्क्स पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट कर देना है। सॉरी, लर्क्स पर नहीं, ये जो फोटो आपको मिलेंगे इन पर आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। दूसरे वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट कर देना है। अगर आप फोटो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ओके, इन दोनों को आप छोड़ देंगे, यहाँ पर जो फोटो है सिंपल लड़के वाला, इस पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ओके, उसके बाद इस वाली फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से इफेक्ट आपकी पेस्ट हो जाएगी। अब ये जो फोटो है इन पर इफेक्ट डालने के लिए बाहर आ जाना है, ओपन कर लेना है सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। अब आपको आगे जाना है, यहाँ पर आपको ये वाला फोटो मिलेगा, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है। बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को, और उसके बाद आगे जाएंगे जहाँ से आपके फोटो स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपको आ जाना है 10:18 पर। फर्स्ट वाले फोटो पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट करना है। दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट करना है। तीसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। ओके, इस तरीके से आगे जाएंगे, दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फोटो हमारे आने वाले हैं 18-16 तक, इन सभी फोटो पर आप यही इफेक्ट पेस्ट करेंगे। उसके बाद बाहर आएंगे,
ओपन करेंगे सेग इफेक्ट के ब्राउजर को, और यहाँ पर आप आगे जाएंगे। अब आपको दूसरा फोटो मिलेगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है। बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सॉन्ग बिट के ब्राउजर को, उसके बाद यहाँ पर आपको आगे आ जाना है और दूसरे जो फोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आपको आ जाना है, इस वाले बीट पे आपको आ जाना है 21 सेकंड पर, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो चार फोटो है, इन चारों फोटो पर आप यही इफेक्ट पेस्ट करेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे सेक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, लास्ट में जाएंगे, लास्ट में आपको ये वाला फोटो मिलेगा, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। बाहर आ जाएंगे, सॉन्ग बीट के ब्राउज़र को आप ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, ये जो बीट है यहाँ पर 26 सेकंड पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर जो हमने लास्ट में पांच फोटो ऐड करके ना, इन पांचों फोटो पर आप यही इफेक्ट स्टेप बाय स्टेप आप पेस्ट करेंगे। ओके, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, पूरा वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीटली एडिट हो चुका है। आपको जस्ट ऊपर सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट